Welcome back. My name is Pooja Rawat, and today's session I'll be talking about the agriculture current affairs. So ARD current affairs ke regarding always there are questions. Bahut zyada confusion jo hai wo students ke amongst rehta hai. So you guys keep posting on telegrams, on YouTube also, like what are the sources that you can actually follow for the ARD current affairs and what is its weightage. ठीक है, तो वेटेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर का, या इनफैक्ट डायनामिक और स्टैटिक पोर्शन का क्या वेटेज रहता है. सो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 15 टू 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके डायनामिक होते हैं. तो डायरेक्टली आई वुड नॉट से कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स से आते हैं जो कि मंथली करंट अफेयर होते हैं, बट दे आर इन करंट इन नेचर. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेंसस है, अब मे बी वो 4 साल पहले आया है, लेकिन this is the latest census that we have with us, तो उसमें से question आएगा. alright, so dynamic portion का मतलब समझिए. so dynamic से आपका 15 to 20 questions आते हैं, and then the remaining 20 questions are from the static, the core static, जिसके लिए आपको syllabus में दिए गए topics को पढ़ना होगा. alright, now the question comes is जो dynamic portion है उसको कहाँ से पढ़ें. now you need to understand and you need to point down few things, like what are the things are actually asked in the exam. For example, there is an area of schemes. The scheme is a very important part. This forms a very important part of the dynamic portion. ठीक है, तो आपको out of 20 question, I would say 5 to 8 question जो होंगे वो directly they will be from the schemes. अब schemes तो बहुत सारी होती हैं, है ना? 400-500 schemes होंगी total. अगर आप सारी department की सारा लिस्ट डाउन कर ले तो इट वुड बी अराउंड 400 to 500 स्कीम्स. सो दैट इज नॉट फिजिबल, इतना तो नहीं पढ़ सकते. नाउ क्या पढ़े, कौन सी स्कीम्स पढ़े. सो आइडेंटिफाई द टॉपिक इन योर सिलेबस एंड देन कनेक्ट दीज स्कीम्स विद योर टॉपिक्स विद योर सिलेबस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टॉपिक, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गिवन इन योर सिलेबस, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कौन सी स्कीम है, ठीक है, तो आपको वो स्कीम पढ़नी है, परंपरागत कृषि विकास योजना. अब आपके सिलेबस में यू हैव अ टॉपिक इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इरिगेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम होगी वो आपको पढ़नी होगी, है ना. तो क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़िए. सिमिलरली अब फॉरेस्ट्री आपका टॉपिक है, तो आपको देखना है कि उससे रिलेटेड कौन सी रिपोर्ट आ रही है या कौन सी स्कीम है जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है. सो सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है वो पता हो, उसका टारगेट पता हो, उसके अंदर कितना टारगेट दिया गया है फॉरेस्ट को, राइट. सो फिर फॉरेस्ट्री आपका टॉपिक है, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर 2 ईयर्स में, दैट इज बायनियल इन नेचर, दैट रिपोर्ट इज बायनियल इन नेचर, सो इट कम्स इन आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, सो दैट रिपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई टॉपिक्स एंड रिलेटेड टू योर सिलेबस, ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं. अब मैं सिर्फ एआरडी की बात कर रही हूँ, जीए में ऑफ कोर्स दे कैन आस्क, और ईएसआई में दे कैन आस्क स्कीम फ्रॉम एनी एरिया, लेकिन एआरडी की स्पेसिफिकली स्कीम से अगर बात करें तो दे विल बी आस्किंग स्कीम्स दैट आर एक्चुअली रिलेटेड टू समहाउ इधर एग्रीकल्चर और द रूरल डेवलपमेंट, राइट. तो आपको स्कीम्स इसके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है. आप अपने सिलेबस पे टॉपिक्स लीजिए और उससे कनेक्ट करिए स्कीम्स को, तो यू विल हार्डली फाइंड 20 to 25 स्कीम्स जो आपको एक्चुअली पढ़नी होगी. अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ टॉपिक, देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द ईनैम. ईनैम इज अ डायनामिक इन नेचर, बिकॉज ईनैम में क्या है, आपका बार बार नई नई चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती रहती है, न्यू एपीएमसी को कन्वर्ट कर रही है, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो, न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं. तो यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर एक्चुअली ट्रेडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड विच वन इज द हाइएस्ट ट्रेडिंग प्रोडक्ट और कमोडिटी एंड विच वन इज द लीस्ट ट्रेडिंग कमोडिटी, बिकॉज दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द लास्ट ईयर. सो इनैप थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा. देन वट आर द अदर पोर्टल्स, वट आर द अदर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू ऑल्सो हैव टू रीड अबाउट दैट. Now this was all about the schemes. Now what about the reports? What are the reports जो important है आपकी? So first आपका जो important है that is NABARD annual report. You will definitely get 2 to 3 questions from that report. So NABARD annual report is a very lengthy report, 150 to 200 pages होते हैं. Maybe that is not आप लोगों के लिए बहुत ही bulky हो सकता है. So हम हमेशा उसके ऊपर 1 या 2 session लेते हैं. So you can either follow us or any other coaching that you prefer for the summary of NABARD annual report, and you can get important areas.
Otherwise, you can also go and read that report. So basically, jo uska data hota hai, that is very important. And all the schemes and initiatives of the NABARD that they have taken so far. So they have they also listed down in that report. So these areas are important, and some important data are given regarding the agriculture production, agriculture export, right? Self-help groups, NGOs, in sabhi ke baare mein, there's a data provided in that report. So that also becomes very important because they ask question from that area also. So report ho gaye, then census report ke liye, then ISFR report is important, then NABARD ka financial inclusion survey is important, then agriculture census. They ask a question from that census also this year. So NABARD agriculture agriculture census is important, then livestock census is important, then socio-economic caste census is important, right? So these censuses are important. Fir current affair mein aur kya poochte, they ask about the portals, the portals for your horticulture, portals for your anything for agriculture related, for export related portals, jo bhi hai, they are important. So jo normally aapke actually current mein hai ki last 6 months ya last 1 year mein jo bhi portal government ne launch kiya hoga, that becomes important, right? Then other areas, what are the other areas apart from the schemes, reports and portals? The census ho gaya, survey ho gaya. Ab baat aati hai sources ki. These are the areas that you have to study while you are covering your dynamic portion, while you are covering your dynamic part of the ARD section. Ab sources kya hai? Sources, as far koi ek single source nahi ho sakta, kyunki jaise aapne GA ki tayari bhi karte hoge kisi bhi particular exam ke liye, to koi ek single source nahi ho sakta uske liye. Similarly ARD ke liye bhi koi ek single source nahi ho sakta. But I found this Krishi Jagran karke, there's a website, so they give all the news that are related to, they provide all the news that are related to agriculture. Usme aapke state initiatives jo hote hain, state specific initiatives hote hain, they also mention that, and also जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है या फिर कोई भी इनोवेशन होता है, इन्वेंशन होता है, दे प्रोवाइड अ डिटेल्ड न्यूज अबाउट देम. तो कृषि जागरण यू कैन फॉलो दैट वेबसाइट. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो ये आप स्पेसिफिक वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं और इनके जो भी इनिशिएटिव्स होंगे ऑब्वियसली दे विल अपडेट दैट ऑन देयर वेबसाइट्स. तो वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं रहती है वैसे भी, तो आप खुद भी अगर कंपाइल करना चाहें तो यू कैन ईजिली कंपाइल दैट. सो यू विल हार्डली फाइंड 15 to 20 न्यूज़ इन अ मंथ. तो आप क्या कर सकते हैं, वीकली संडे को 2 घंटे निकाल के सारी वेबसाइट्स को गो थ्रू कर सकते हैं एंड यू कैन मेक नोट्स ऑफ दैट एंड दैट विल बिकम वेरी हैंडी एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम. ऑलराइट, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एंड अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और अननेसेसरी एआरडी करंट अफेयर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. जस्ट नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट एरियाज एंड यू ओनली हैव टू फोकस ऑन दैट. ठीक है, अननेसेसरी कुछ भी पढ़ने का मतलब नहीं होता बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू गिव टाइम, यू ऑल्सो हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल बिकॉज एआरडी इज जस्ट वन सेक्शन आउट ऑफ द 8 सेक्शन दैट कम्स इन योर प्रीलिम्स. And unnecessary बहुत ज़्यादा time इसको devote देना, I wouldn't say that is a smart strategy. Please divide your time properly and use your time judiciously. This is a very important, this is a very precious time for all of you guys. So just keep that in mind and I'll see you in the next session. Till then, keep working hard and keep studying.